आज मैं बना रही हूँ चिकन भिंडी, जिसकी रेसिपी बहुत आसान है और रिजल्ट बहुत मज़ेदार। इस रेसिपी के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं: आधा किलो चिकन, 4 मीडियम साइज टमाटर, 2 लीमों का रस, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, आधा कप दही, आधा किलो भिंडी, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। अब हम भिंडी को काट लेंगे। भिंडी को लंबा काटना है, यानी ऊपर नीचे से काट कर सेंटर में एक कट लगाना है। इसी तरह भिंडी को लंबा लंबा काटते जाएं। सारी भिंडी को इवन पीसेस में काट लेना है। अब हम चिकन भिंडी का मसाला तैयार करेंगे। आपको लेना है 1 कप ऑयल। हमने फ्लेम दरमियाना रखना है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर दे। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा नरम होने दें। गोल्डन कलर आने पर अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को इतना भूनना है कि ये अपना कलर चेंज करे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने प्याज को इसलिए कम फ्राई किया था क्योंकि इसे गोश्त के साथ भी फ्राई करना है और हमें प्याज सुरख नहीं चाहिए, इसलिए हम पहले कम फ्राई करेंगे और फिर चिकन के साथ दोबारा फ्राई करेंगे। गोश्त ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक के साथ गोश्त को इतना पकाएं कि खुशबू आना शुरू हो जाए और फिर इसमें दही डाल दें। दही डालने से मसाले में एक बहुत खट्टा सा फ्लेवर आता है। अब मैं सारे स्पाइसेस डाल दूंगी। इतना भूनना है कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं 4 दरमियाने साइज के टमाटर डाल दूंगी, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। टमाटर को इतना भूनना है जब तक ये गल ना जाए। मैं इस मसाले को कैप देकर भूनने के लिए रख दूंगी। कटी हुई भिंडी को अब मैं डीप फ्राई करूंगी। इतना फ्राई करना है कि इसकी लेस खत्म हो जाए और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना और ना ही ज्यादा डार्क करना है। टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। हम इस मसाले को मज़ीद भूनेंगे ताकि और पानी खुश्क हो जाए। जब भिंडी फ्राई हो जाए तो इसे अलग बाउल में निकाल लें। आप देख सकते हैं कि भिंडी को ज़्यादा डार्क नहीं किया। मसाले को मीडियम आंच पर भूनते रहें। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं फ्राई भिंडी मसाले में डाल दूंगी। फ्राइड भिंडी को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं एंड पे सब्ज मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि ये सालन में फ्रेश अच्छी लगती हैं। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। आखिर में ग्रेवी के लिए आप आधा कप पानी डाल दें और दरमियानी आंच पर भूनें। साथ ही लेमन जूस ऐड कर दें और आखिर में टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस ऊपर रख के ढक्कन दे दें। 10 से 12 मिनट बाद सालन रेडी हो जाएगा। आखिर में ऊपर हल्का सा गरम मसाला डाल दें। चिकन भिंडी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। ये थी आज की चिकन भिंडी की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी के बारे में अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। Like and subscribe to my channel for daily recipes.